क्या सरकार विपक्ष की निजता का उल्लंघन कर रही है? क्या सरकार करा रही है विपक्षी नेताओं की जासूसी? सियासत में एक बार फिर फोन टैपिंग और जासूसी का मामला चर्चा में है और इस मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, मेरा नाम है हर्षवर्धन। दरअसल टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उनके फोन को हैक करने की कोशिश हो रही है। हैकिंग का आरोप लगाने वाले नेताओं में महुआ मोइत्रा के अलावा कांग्रेस सांसद शशि थरूर, शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा समेत तमाम विपक्षी नेता शामिल हैं। इन नेताओं ने एप्पल की तरफ से मिले अलर्ट के आधार पर दावा किया कि सरकार उनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। हालांकि सरकार के सूत्रों का कहना है कि एप्पल का एल्गोरिदम बिगड़ने की वजह से ये अलर्ट आए हैं। सरकार जल्दी इस पर बयान जारी करेगी। दरअसल विपक्षी नेताओं के फोन में सेंधमारी के आरोप की शुरुआत महुआ मोइत्रा के ट्वीट से हुई। महुआ के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर, पवन खेड़ा और शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी एप्पल की ओर से मिले अलर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए फोन हैक करने का आरोप लगाया। महुआ ने दावा किया कि आप सांसद राघव चड्ढा, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, CPM महासचिव सीताराम येचुरी के फोन पर भी ये अलर्ट आया है। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। अखिलेश ने कहा, बड़े दुख की बात है कि विपक्षी नेताओं के फोन को हैक किया जा रहा है। सुबह ये जानकारी मिली और इस प्रकार का मैसेज कंपनी के माध्यम से आया है। मैसेज में बताया जा रहा है कि स्टेट की ओर से आपका फोन हैक किया जा रहा है। दुख की बात यह है कि लोकतंत्र में आजादी और निजता को भी ये खत्म करना चाहते हैं। जासूसी किस लिए? इसकी जांच होनी चाहिए। अब इस मुद्दे पर राहुल गांधी भी कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जब हम अडानी का मुद्दा उठाते हैं तो IT एजेंसी, CBI सभी एक साथ आ जाती हैं। पहले मैं सोचता था कि PM मोदी नंबर एक पर हैं और अडानी नंबर दूसरे पर हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अडानी पहले नंबर पर हैं और मोदी नंबर दो पर हैं। ये ध्यान भटकाने वाली राजनीति है। राहुल गांधी ने फोन में एप्पल का अलर्ट दिखाते हुए कहा कि मेरे ऑफिस में भी ये मैसेज आया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार और एप्पल की तरफ से इस पर क्या बयान सामने आता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप इंडिया टीवी को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें Instagram, Facebook और Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।